हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो ये सुबह जी मैं आज लेट उठी थी 8:30 बजे। तो जी ये मैंने रूम की क्लीनिंग कर रही थी, बेडशीट वगैरह भी चेंज वगैरह कर ली थी, डस्टिंग वगैरह कर ली थी और साथ ही मैंने ये लगा लिए थे गीत और कैरल को पॉइंट लगा दी थी और बाजी भी क्लीनिंग कर चुकी थी। तो उसके बाद जी मैं फेस वॉश करने लगी थी। तो फेस जो मैं डेली वॉश करती हूँ बेसन के साथ, और एक टाइम मैं डव लगा लेती हूँ, एक टाइम मैं बेसन, और कभी कभार मैं फेस वॉश भी यूज़ कर लेती हूँ। तो जी बेसन जो है ना डेली यूज़ करने से ये है कि आपकी स्किन पे ग्लो आएगा, वाइटनिंग आएगी और जो फेशियल हेयर है वो स्लोली स्लोली रिमूव हो जाएंगे। तो आप ये जो है ना ज़रूर ट्राई करें। तो इससे स्किन ड्राई भी नहीं होती मेरी। तो ये आपने लगा लेना है, पानी के साथ ही आपने इसका पेस्ट बना लेना है, या अगर आपका दिल चाहे, अगर आप करना चाहे तो आप दूध के साथ भी इसका पेस्ट बना सकते हैं, रोज़ वाटर के साथ भी। तो जो भी चीज़ मेरे पास हो मैं बना लेती हूँ। तो अच्छे से फिर मैंने इसकी 1 मिनट क्लींजिंग करनी होती है, फिर फेस को वॉश कर लेना होता है, एकदम से इतना ग्लो आ जाता है। और आप टावल या कोई टिश्यू या जो भी आपने यूज़ करना है सेपरेट रखें और डैप डैप करके अपने फेस को साफ़ करें, रगड़ के ना करें। तो उसके बाद ये मैंने प्रे करती हूँ मैं। तो ये मैंने कभी शेयर नहीं की रूटीन, तो मैंने सोचा आज कर देती हूँ, क्योंकि अपने खुदा को भी टाइम देना जरूर बहुत ही ज़रूरी है, सबसे पहले ये, फिर बाकी काम दूसरे। तो आप लोग ज़रूर जो नहीं देते टाइम अभी तक, तो ज़रूर अपने खुदा को टाइम दें, क्योंकि मांगोगे तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। क्योंकि खुदावंद हमें सब कुछ देता है, उससे पता है, लेकिन हम मुसीबतें हमारे ऊपर इसलिए आती है कि ताकि हम खुदा के नज़दीक जाएं और उससे मांगें। तो जी ये मेरी मॉर्निंग ड्रिंक थी वेट लॉस। मैंने लेमन को, हाफ लेमन को नीम गर्म पानी में निचोड़ के पिया है स्टार्ट, क्योंकि 2-3 दिन से मैं स्टार्ट की, स्टार्टिंग में आप हाफ लेमन पिए, फिर उसके बाद आप जो है ना 1 लेमन जो है ना पी ले। तो ये मैं डिटॉक्स वाटर भी मैंने बना लिया था जब वो ड्रिंक पी के। तो इस तरह आपने साबुत ही जो है ना पुदीना 3-4 डंडल ले लेने हैं और इसे एक वॉश करके एक जग में पानी का, एक जग ले लेना, 1 लीटर वो पानी हो जाता है, उसमें आप डिप कर दे। और साथ एक खीरे को वॉश करके उसको स्लाइसेस में कट करके, 1 लेमन को स्लाइसेस में कट करके इसे भी ऐड कर देंगे। इसमें आप अगर चाहे तो एक एप्पल का भी ऐड कर सकते हैं, ऑरेंज, अगर ऑरेंज का मौसम है एक ऑरेंज भी ऐड कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे, फिर इसे 2 घंटे इसी तरह पड़ा रहने देंगे। तो जी अब मैं इधर नाश्ता बनाने लगी हूँ अपना। तो ये मैं जो रोटी है ना कभी खा लेती हूँ मल्टीग्रेन मिक्स बेसन की, या ये चक्की का आटा है तो यहाँ चक्की की भी इस तरह 1 चपाती खा लेती हूँ। आप 2 चपाती भी खा के अपने वेट को कम कर सकते हैं, लेकिन वो आपने एक टाइम खाना है। नेक्स्ट मैं ना जो सही वाली डाइट है ना वो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो फिलहाल आजकल मैंने स्टार्ट ही किया है, पहले मैंने डाइटिंग स्टार्ट की थी तो बीच में मेरा 3-4 माह का गैप हो गया था, कुछ इशू थे इसलिए। तो ये मैं 1 चम्मच सिर्फ देसी घी जो है ना वो खा रही हूँ। आप अपनी डाइट में 1-2 चम्मच डेली ले सकते हैं। तो जी ये देखें इस तरह। फिर मुझे चाय भी, जिन लोगों को आदत है वो पी ले, लेकिन शक्कर बिल्कुल कम डाल लें स्टार्ट में, फिर वो मैं बिल्कुल छोड़ दूंगी। तो मैं भी विदाउट शुगर चाय लूँगी। 2 घंटों के बाद फिर मैंने वो अपना डिटॉक्स वाटर पी लिया था, क्योंकि पानी जो है आपने अपनी स्किन पे ग्लो को बरकरार रखने के लिए 2 लीटर या 3 लीटर पीना ही पीना है। तो 1 लीटर ये मेरा हो जाता है, दूसरा भी मैं पी लेती हूँ। तो इस तरह आपने बैठ के सुकून से 1-1 सिप लेके तो पानी को पीना है। तो अभी तक आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और एक प्यारा सा कमेंट कर दे, जो मैं चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो उसके बाद फिर मैंने ये वही मास्क लगा लिया जो मैंने आप लोगों से शेयर किया था, बेसन और दही का। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना स्किन को ड्राई करती है, लेकिन ये दोनों मिलकर स्किन को ड्राई नहीं कर रही, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल यूज़ कर रही हूँ तो बहुत अच्छे इसके रिजल्ट है। फिर मैं मॉइस्चराइज कर लेती हूँ कभी कभार, अगर मेरी स्किन को ज़रूरत हो तो ब्लाई के साथ, या कोई आप मॉइस्चराइज़र भी लगा सकते हैं अच्छा सा। फिर उसके बाद मैं ये सन ब्लॉक लगा देती हूँ। ये सिंपल सी आप 1-2 जो है ना कर लेना डेली स्किन केयर तो चीज़ें कर ले, तो बहुत ही आपकी स्किन जो अच्छी रहती है, हेल्दी रहती है, इस पर ग्लो रहता है और सन टैन भी नहीं रहता। तो आप ना सन ब्लॉक को 2-2 घंटे के बाद ज़रूर अपने फेस को वॉश करके लगाएं, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। मैंने पहले भी कई वीडियोस में आप लोगों को बताया है। तो अपनी स्किन के मुताबिक आप ले लें, या आप
रिवाज यूके की भी 90 SPF ले सकते हैं, बहुत अच्छी फाउंडेशन भी उसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर जो लेडी ऑफिस में जा रही है वो अपने फेस पे वो लगा ले और उसके ऊपर फेस पाउडर लगाए, तो आपको जो बेस वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो बेस का काम देती है, हाई कवरेज है उसकी, बहुत ही अच्छी है। तो यही मैंने हेयर केयर भी कर ली जो मैंने ये वीडियो में आप लोगों से शेयर की है। तो जी लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ये जो मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ इनकी लिंक भी लगा दूंगी, आप ज़रूर ट्राई करें। तो फिर जी दोपहर को ना यही मेरी केयर थी, इस तरह मैं कर लेती हूँ। तो जी ये फिर मैं दोपहर को करेले लेके आई थी, आज मैं बना लेंगी करेला चिकन की रेसिपी। तो मैं थोड़ा टाइम से ले आई थी, फिर मैंने इसे कट करके ना, इधर मेरी मासू आई थी, मैंने उनसे कहा कि आप मुझे ना ये इसकी कटिंग कर दे, क्योंकि मैं वो मेरी नंद कह रही थी मेरी वैक्स कर दो, तो उधर उसके आईब्रो वैक्स वगैरह मैं करने लग गई। तो उतनी देर में मतलब लंच मैंने पहले कर लिया था, फिर मैंने वो किया। तो लंच में ये खीरा था, मतलब सैलड था, थोड़ी प्याज थी, और कैरल कह रही थी मम्मा मुझे नान खाना है, तो वो उसके लिए मैं नान ले आई और एक शहजाद खा लेगा और कैरल। तो ये मेरी वो चपाती थी साथ, और एक टिक्की थी दाल की, ये भी मेरे चैनल पर वीडियोज है वेट लॉस टिक्की दाल की, अगर आप बनाना चाहें तो वो खा सकते हैं। तो जी शाम को फिर मैंने ये करेले जो है बनाना स्टार्ट किया, फटाफट से मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। जिनके करेले कड़वे बनते हैं और जिनको पसंद नहीं है, वो इस तरह ट्राई करेंगे ना, क्योंकि करेले तो सबको आते हैं लेकिन कड़वे ना बने, तो आप लोग इस तरह ज़रूर ट्राई करें। ये इस तरह अच्छे से आप लोगों ने इसे गोल्डन कर लेना है, तो बिल्कुल जलाने भी नहीं है और कच्चे भी ना रहे, थोड़ा सा कर लेंगे। तो ये प्याज था, टमाटर था, हरी मिर्ची और स्पाइस में नमक हल्दी और सूख मिर्च थी और धनिया था। अच्छे से आप प्याज़ों को फ्राई कर लेंगे। तो जी प्याज हमने थोड़े सॉफ्ट कर लेने हैं, फिर इसमें मैंने ऐड कर दिया ये चिकन। चिकन स्पेशली मैं करेले के लिए भी ऐड कर देती हूँ, वो शौक से खा लेती है अगर करेले वगैरह, बच्चे नहीं ना कई सब्ज़ियाँ खाएं, तो इससे चिकन डालने से भी इसकी कड़वाहट थोड़ी कम हो जाती है। और भी मैं नेक्स्ट आप लोगों को बताऊँगी कि एक चीज़ और आप लोगों ने करनी है। तो इधर मैंने स्पाइस ऐड कर दिए, तो मैंने इसमें कोई अगर आप ज़ीरा वगैरह गर्म मसाला ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये पहले ही गर्म होते, गर्मी भी स्टार्ट हो गई है, तो इसलिए वो मैंने नहीं किए। तो जी साथ ही मैं फिर रोटियां भी बना रही थी शाम को। तो जी अच्छे से इसे फ्राई करके, तो फिर इसमें मैंने करेले ऐड कर दिए और इसे मिक्स करके, तो इधर आपने देखना है गौर से, धनिया कर रही हूँ मैं इसके ऊपर गार्निश, और आपने ले लेना है हाफ लेमन, इसे अच्छे से निचोड़ देना है। इससे यह कि आपके करेले की जो थोड़ी बहुत जो कड़वाहट रह गई वो भी ख़त्म हो जाएगी और टेस्टी भी लगेंगे, यमी बने थे। शहजाद भी कह रहा था कड़वे नहीं बने, मेरी मासों भी सब फैमिली ने खाए तो पसंद किए उन्होंने। तो आई होप आप लोगों को भी ये रेसिपी पसंद आई है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर प्यारा सा कमेंट कर दो। और ये करेला कीमे वाला आया था, मैं मामी के घर से, उन्होंने कीमे वाले बनाए थे। आज की वीडियो को इधर ही ख़त्म करती हूँ, आई थिंक आप सब स्किन केयर सब पसंद आएगी रूटीन। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।